सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास सतों मजमून रियाजी बाब सतों सबक बियों प्यारा वारो अस्सलाम वालेकुम। अज अस पढ़ासी मश्क सत ढाई एक पैरी मश्क में सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स की गाल में टिन किस्म जो सवाल आन पे आ प्रॉपर्टी की टैक्स खोलो प्रॉपर्टी के वर्थ भी चई सकूं था अस वर्थ यानी रकम प्रॉपर्टी रकम ठीक है। सो प्रॉपर्टी की वर्थ यानी प्रॉपर्टी की रकम सो उन प्रॉपर्टी की टैक्स गोल्यो पेरे में आए सवाल में तो प्रॉपर्टी की टैक्स गोल्यो बे सवाल में यो चयल है तो वर्थ गोल्यो यानी अमाउंट गोल्यो प्रॉपर्टी जो टोटल प्रॉपर्टी घणे जी है टियों तो रेट गोल्यो तो केतरी उन टैक्स लगल है ठीक है। रेट यानी केतरो उन ते केतरे रेट से असा टैक्स हई है ठीक है। सो टैक्स जो फार्मूलो असा के लिखियो पियो आए ते तो टैक्स जो फार्मूलो आए वो आए रेट के ज़र्ब कयो वर्थ सा 100 सा वंडियो ठीक है। सो पे टैक्स तो चे इन पे फार्मूलो यो ही लगन ठीक है। उनको पे नंबर अस कर रहा हूँ वो है असो टैक्स गोलनी है जडे त रेट लिखण है रेट घो है बाबा पंज आई वर्थ घनी है बाबा वर्थ है 286 86,400/100 ठीक है बाबा। हाँ ये इतने कैंसिल थी है ये इतने कैंसिल थी है तो बाकी चाहो बजे इतने पंज जरबिया 2,864 हेठो एक अस न लिखा इन जो आंसर कैलकुलेटर तो ऐसी वो जल्दी जल्दी में तो बाबा चाहे पंज जरबिया 2,86,4 छा जवाब है 14,320 यानी टैक्स असाई जगह देनी पौंदी एतरी वर्थ ते केतरी वर्थ ते 286,400 जी असाई जे करे प्रॉपर्टी आहे उन ते 5% जो रेट लगायो वने तो पो असाई घणी असाई टैक्स देनी पौंदी असाई देनी पौंदी 14,320 रुपया यो इन पेरे जो जवाब आ ठीक आ पेरे जवाब यो आ। हाँ बाबा क्वेश्चन नंबर बो था क्यों बे में गोलनी है वर्थ हाँ पे उनको फार्मूलो लिखी वह फार्मूलो इन में ही जनरेट थी वर्थ के इतने छड़नो है 100 के इन पास खी वो रेट के भी इन पास खी वो सो टैक्स तो अग में इन पास पई है ठीक है। सो टैक्स से हेठों जैसे मथे इंदो तो जरब कह छो तो 100 हेदे इन पास छो कर 100 वंड तो इन पास टैक्स दिए कौ जरब ए हेठा रेट इंदो छो तो रेट से छो कर जरब तो कर हेदे इंदो तो वंड कह ठीक है। हेदे पुछा वजो वर्थ जो अस घुरनी है बेन लफ्जन में असा वर्थ जो फार्मूलो मिली वो तो वर्थ जो फार्मूलो है वो है टैक्स दरबिया 100 अपान में रेट ठीक है। अचो तो इनको जवाब कढ़ू हाँ अस खबर है तो टैक्स घनी है छो तो टैक्स भी दिनल आ रेट भी दिनल आ वर्थ घुरनी है तो असंगे वर्थ अस मिली वी वर्थ जो फार्मूलो है तो पे टैक्स लिखो टैक्स है 2,550 ठीक है। उनके जरब कर 100 से उन बाद में अस रेट दिनल आ रेट घो बाबा ब ठीक है ब यानी 2 इतने पंजा जी 2 की टेबल हणी छू भी पंजा 100 तो बाकी छो बजे बाबा इतने इतने तो बजे 2,550 जरबिया पंजा अचो तो इनके छदायूँ 2,550 जरबिया पंजा इन जो आंसर तो 1,275,000 ठीक है। छा तो थे बाबा 1,275,000 यानी घणो थी वियो 1,75,000 घणो बाबा 1,75,000 इहा असांजी वर्थ थी चाहे बाबा इहा असांजी वर्थ आहे यानी इहा असांजी टोटल क़ीमत आहे। क्वेश्चन नंबर 2 में कीमत घुरणी आ प्रॉपर्टी घुरणी आ प्रॉपर्टी की कीमत वर्थ यानी कीमत उहा घणी आ बाबा 1,75,000 जडें त उन ते टैक्स पेड जगह थियल हुआ इहो ई ऐं रेट इहो हुयो ब ठीक है। माना टैक्स ऐं रेट सां असां हिन फार्मूले खे यूज़ कंदे असांजा सभु जो सभु क्वेश्चन 2 जा आंसर इन फार्मूले ते थींदा सभु जो सभु पहिरें जा क्वेश्चन हिन ते थींदा। हाणे हलूं था क्वेश्चन नंबर 3 ते।
हाँ बाबा जैसे टों सवाल करो आ टे सवाल जो फार्मूलो मुझे लिखो पवन जी पे बिन जहाँ लिखियम सो इन थोड़ी वर्किंग कर वूँ असें गोलो है रेट छा बाबा रेट रेट के मैं पास खड़ी वाँ तो उन पास भी कुछ भी रेट सा न हो पर्यों कम यो क्या तो मैं इन पास खड़ी वाँ ये इतने वंड तो करे तो हेडे वर्थ से वही कह जरब सो खाबे पास बचन टैक्स जरब या सौ हेडे थी तो वे वर्थ जरब या रेट छो तो जरब थे जी रेट छो तो हेडे वंड तो करते इन पास जरब कहे जरब कहों तो उन पास वंड कहो उसूल है हेडे जोड़ तो कर तो बे पास माइनस कहो हेडे माइनस तो कर बे पास जोड़ थो ये उसूल है ठीक है उनको ऑपरेशन मटजी वो अमल मटजी उबतो थी वो सो हेडे पे कर वंड हेडे वही जरब कहीं कैसा वर्थ से हाँ मुख्य वर्थ से न खे न मुख्य तो रेट खे सो ही वो वही हेडे रेट से पो हों वर्थ वो ऐण वर्थ चाह तो कर जरब हेडे कह वंड सो असो फार्मूलो मिल वो मिल टैक्स जरबिया सौ अपॉन वर्थ इज इक्वल टू रेट ठीक है बाबा ही जो फार्मूलो है वो आए असो जो रेट जो रेट इज इक्वल टू टैक्स जरबिया सौ डिवाइडेड बाय वर्थ ठीक है सो हाँ यो सवाल अस इतने कहसी असोलींदी तो असो रेट घो यानी आर ए टी रेट घो रेट जो फार्मूलो आ टैक्स पे तो टैक्स लिखो बाबा टैक्स मिलल आ 3,400 यानी 30,000 मिलल असि टैक्स जो अस पे कई है ठीक है जरबिया सौ अपान में वर्थ वर्थ खड़ी आ बाबा वर्थ आए 1,800,000 यानी 18 लख ठीक है हाँ असेंगे करो पव अस 0,0 कटना पवन टू इतों कटो टू इतों कटो बाकी जो बचो वो ऐसो बिन में जीरोज आन हाँ अन ठीक है पर पहली गाल जो इतने बचो वो लिखी वो टे चार ठीक है 30,000 इतने तो बचे 1,800,000 ठीक है 1,2,3 अरड़ा था 30 हाँ इतने एक बे एक बे अगर कटे छजों तो इतने तो बचे 30 इतने तो बचे अरड़ा ठीक है सो हाँ टेबल हणो तो इतने थी वो भी 15,30 नव इन अगर डिवाइड क्यों तो नानू अरड़ा वो थी इन एक दफो ही हणो पव एक नाना 6.0 ठीक है हाँ नवन जो टेबल हणंदा एक नाना बिना अना टा सत्ता चार ना छटी पंजना 45 छना 54 सतना 63 सतना 63 इन कर 63 वो थी वो इन कर छह दफा हणंदा छना 54 6 वरी 60 इतने भी 60 इतने भी 60 यानी ये थो वो छह हल्द वो ठीक है रिपीट मतलब क्लियर थी वो हाँ अस खबर आ जो जवाब है वो तो हो 1.66 ठीक है बस बदवा लिखूँ काफ़ी है सब 66 सन छो लिखूँ इन कर 1.66 या इन हाँ जो रेट जो जवाब इन या तो यो 1.66 या वरी 1.67 कर छो छो तो ये जे 1.6 तो लिखो थे ना बाकी ये जे 6 6 6 6 6 ये सब कन्वर्ट थी वा मथे नंबर में छा वा ये सत थी वा ठीक है सो छो इन आंसर 1.67 ठीक है एक्चुअली बाबा ऐसो छो थे टे अगर खड़ों मुख्य इनके राउंड ऑफ करण राउंड ऑफ चबो आ मतलब सोली रकम अगर सीधी रकम कई वे माना बिन अगर डिजिट्स ताई असांखे आंसर खपे जी इतने ब डिजिट आ तो इतने टे डिजिट खी उनके राउंड ऑफ करो पव ठीक है सो उन अगियों डिजिट अगर पंजन को वो अंडरलाइन वे में एक जोड़ कर छोड़ो सत्त हेडों वा सब थी वा 0,0 जे बन छह सब 0,0,0 हेडों वा सेम ठीक है राउंड ऑफ अस पढ़ी है मुझे याद अचे तो अस पढ़ी है ठीक है सो आखिर जीरो कम जो नों इन कर जवाब छा 1.67 इन ही कर रेट इन 1.67 ठीक है सो हाँ एक दफो बीहर तक इतने जो फार्मूला उड़ा कड़ा बी टे यानी फार्मूला नंबर 2 फार्मूला नंबर 1 लिखल है पर फार्मूला नंबर 2 फार्मूला नंबर 3 लिखल है इन ही कर चवान फार्मूला नंबर 1 भी लिखा छजा जो असो मेन फार्मूला हो वो कड़ो हो बाबा वो टैक्स जो हो टैक्स जो फार्मूला छा हो तो बाबा रेट के जरब कयो वर्थ सा डिवाइड कर छो सौ से अस मिली वी टैक्स इनके भी मां ये कर छजा तो जी ये टई फार्मूलास तिखी छो फार्मूलो हमेशा एक होंगे असो मेन फार्मूलो ये हो
इन खां बाद में फार्मूला फिरंदा आहिनि। इहा फिरण वारी तव्हांखे शइ अचणु घुरिजे त यार जेकॾहिं मूंखे हितां वर्थ ॻोल्हणी आहे त 100 खे हेॾे खणी वञा, रेट खे हेॾे खणी वञा। इते अगरि मूंखे रेट ॻोल्हणो आहे त 100 खे परते खणी वञा, वर्थ खे हेॾे खणी वञा। ठीकु आहे, अहिड़े हिसाब सां इहे सभु फार्मूला हिन मां ई निकिरंदा, हे ॿई हिन मां ई निकिता आहिनि। ठीकु आहे, पोइ बि मां सोचां पियो त मां लिखाए छॾींदुमि तव्हांखे आख़िर में, त मे बि तव्हां हे जॾहिं तव्हां सवाल सभु कंदव, इहे मश्क़ कंदव, त इहे टई फार्मूला यूस थींदा, पहिरें में, ॿिए में, टे में इहे यूस थींदा। जेको हिन जो डी क्वेश्चन आहे उनमें लिखियलु आहे वट इज़ टैक्स, वट इज़ पर्पज़ ऑफ टैक्स, टैक्स जो मक़सदु छा आहे, टैक्स आहे छा, इहे पाण पढ़ियोसीं पहिरें में। ठीकु आहे, मक़सदु छा आहे त बाबा असां जेको हुनखे हुकूमत खे असां जेको आहे न जेके बि असां हुनजी गवर्नमेंट सर्विसिस यूस था कयूं उनजे सिले में हुनखे असां पे कंदा आहियूं गवर्नमेंट खे, स्टेट खे। ठीकु आहे, ऐं उहा असां खां वठंदी आहे, उनखे चइबो आहे टैक्स वग़ैरह। ठीकु आहे, हिकिड़ी त हूंदी आहे उहा GST जेका उहा गवर्नमेंट वठंदी आहे, ॿी हूंदी आहे जेकॾहिं पघार मूं कटिजे थो त उहा बि असांजी टैक्स आहे। मिसाल मां लोन थो वठां पघार जो त मां लोन वठंदुमि, जेकॾहिं 2 लख वठंदुमि त मूंखां 2 लखनि खां मथे वठंदा पैसा, उहो मूंखे हुन ते टैक्स हणंदा त बाबा जेकॾहिं तूं 2 लख हणंदा तोखे असां 2.5 लख वठंदासीं। इहे 2.5 लखनि वारो जेको इहो 50,000 मथो आहे, इहो कॾहिं आहे, इहो टैक्स आहे मूं ते। ठीकु आहे, सो जेकॾहिं मां के रक़म थो वठां, के मां शयूं थो वठां त हुन ते बि टैक्सिस लॻंदियूं आहिनि। ठीकु आहे, सो हीअ टई फार्मूलाज़ आहिनि, हीअ टई फार्मूलाज़ खणो ऐं शुरू थी वञो, ऐं सॼी सॼी एक्सरसाइज़ टिनि फार्मूलाज़ ते आहे। उमेदु आहे अवांखे अॼोको लेक्चर सम्झ में आयो हूंदो। नेक्स्ट लेक्चर ताईं ख़ुदा हाफ़िज़।